खनिया थाना में प्रथम चरण में संपन्न हुए नगर परिषद के चुनाव परिणाम आज संपन्न हुए, जिसमें 6 वर्ष बाद भाजपा ने वापसी करते हुए नगर परिषद खनिया थाना पर कब्जा किया है। भाजपा के 8 पार्षद जीते हैं तो वहीं 6 कांग्रेसी पार्षदों ने तो वहीं 1 निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। बता दें कि पिछले चुनाव में भाजपा का खनिया थाना नगर परिषद से सूपड़ा साफ हो गया था, 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन इस बार वापसी भाजपा ने की है। खास बात यह रही कि खनिया थाना के मुस्लिम बहुल वार्ड में भी सेंध लगाते हुए भाजपा ने वार्ड नंबर 13 से पार्षद का चुनाव जीता है, तो वहीं वार्ड 10 से भाजपा के मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश वंशकार भी लगातार तीसरी बार चुनाव जीत गए हैं। नगर परिषद में भाजपा के बहुमत के बाद अब देखना यह है कि अध्यक्ष का ताज किसके सर बांधा जाता है, जिसके लिए भाजपा से पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष डॉ. रितु चौधरी व भाजपा के वरिष्ठ नेता कुलदीप सिंह चौहान की बहू राधा चौहान प्रबल दावेदार हैं। तो वहीं विजयी प्रत्याशियों को खनिया थाना नवांगतुक तहसीलदार रुचि अग्रवाल व नायब तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुर्जर ने प्रमाण पत्र दिए।